दानी हो। और जब अरमान बाबू पाए तो कम से कम ऐसा जोरदार ताली हो, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ले लिया अरमान बाबू के पापा के तरफ से। ये ओरिजिनल है रे बाबा। ए मेगो मुमराज घेट पेड़ गोपाल यो रामा मुत्तु स्वामी 25% ही लोग को दे दो कोरसिया सब। और 75% हमारे पब्लिक के लिए, क्योंकि सुनिए ना, क्योंकि भैया यही वो सबसे बड़े कलाकार हैं जो किसी भी स्टार को सुपर स्टार बना सकते हैं। आपके लिए कह रहे हैं कि यही वो सबसे बड़े कलाकार हैं जो किसी स्टार को सुपर स्टार बना सकते हैं। और हो गए नाराज तो चुटकी बजा के मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आपसे बढ़ के कोई नहीं है। एक बार अपने आप के लिए ताली हो जाए। थैंक यू। भाग अर्जुन भाग। सो गाइस, अभी आपने अरमान बाबू का ये जो है, तेरे अर्जुन नहीं आएंगे। ओए बुढ़िया, तेरे अर्जुन नहीं आएंगे। जो आएंगे अगर धरती का सीना चीर के आएंगे, जमीन की चादर फाड़ के आएंगे। चुप बोल व्यक्ति, ना ही तुमको का पता है हमारे अर्जुन और करण जरूर आएंगे। करण आ गया, अर्जुन जुन कब आएंगे? देखो हमारे करण अर्जुन जरूर आएंगे, तुमको जदेंगे। इन पत्थरों को देखो, क्या तुम्हें देख कर ऐसा नहीं लगता कि पहले हम यहाँ कभी काम क्या करते थे? देखो अजय, उस माँ पे बहुत अत्याचार हुआ है, हम उसी माँ के बेटे हैं। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे पुत्र सुरा, शांत हो जाओ गंडा स्वामी। जो तुम खेल खेल रहे हो, हम उस दिन से खेलते आ रहे हैं जिस दिन से तुम्हारे बाप दादा बालों में खिंचाया लगाया करते। ख्वाब से मिलकर ख्वाब की ताहिर बनाने वाले तू भी क्या खूब है, हमारे अरमान बाबू का तकदीर बनाने वाले। अभी जो है आपसे हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस बहुत जरूरी होती है। ये है हमारे अरमान बाबू जो के लिटिल पोचन बीइंग फायर, छोटा पैक बड़ा धमाका, अरमान बाबू जी का पिताजी। एक बार इनके लिए तालियां गाइस प्लीज। क्या बात है, आज जो आप ये छोटा पैक बड़ा धमाका का देख रहे हैं, इनको एंजॉय कर रहे हैं, इनका एंटरटेनिंग से आप लोग आनंद ले रहे हैं, उनके पिता अरमान बाबू के पिता। तो आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द कह दीजिए प्लीज। प्लीज ओके, ये बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। ओके, कोई बात नहीं, आइए एंजॉय कीजिए अरमान बाबू एक बार फिर से। पानी हो तो उसे बहाया नहीं जाता, साफ पानी हो तो उसे बहाया नहीं जाता, और आप जैसे यार हो तो उसे भुलाया नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात कही आपने यार। मुझे उठने का थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि आपकी शायरी बहुत लाजवाब थी बॉस, बिल्कुल झकास। मुकेश भैया देखिए, हमको भी कुछ कहना है कि गा तो मैं भी सकता हूँ पर मेरे पास आवाज नहीं, कि गा तो मैं भी सकता हूँ पर मेरे पास आवाज नहीं, जी या बछड़ू, और बजा तो मैं भी सकता हूँ पर मेरे पास साज नहीं। बना रहा कि बजा तो मैं भी सकता हूँ पर मेरे पास साज नहीं, और ये ताज महल बनाने वाले घमंड मत करना, ताज महल तो हम भी बनवा सकते हैं पर मेरे दिल में मुमताज नहीं। हे शिवान ढाले अरमान बाबू, शिवान ढाले चाप ढाले चाप ढाले, तू काय को बोलता रे शाह? ऐसा ही बा इना मानी लाओ गरम पानी। एक बार हमारे छोटके कलाकार अरमान बाबू के लिए तारी हो जाए, जोरदार। टाइम वेस्ट मत करी, देखिए अभी बहुत पहले एगो गोलू राजा भैया का बहुत बढ़िया गाना आई रहा है। हरे अमर वाला गवाला पिया हो, अरे महुआ ने लो गवाला, हरे तकता ही ना लगावाला पिया हो, हरे निमिया के गोछिया
अरमान बाबू के लिए दो सौ एक रुपए का पुरस्कार एवं ताली हो। हेलो हेलो कहे से संडो कर रहा भैया निमिए हो घाड़वा माई ए भैया ऐसे मत करो हाँ निमिए हो घाड़वा माई निमिए भैया अगर अच्छा लगे तो जोर जोर ताली बजा दलो कभी अकेले कर सुहावन लागे दुर्गम
क्या बॉस है, क्या बॉस है। ये घड़ी उजाला भैया और सागर भैया के बढ़िया गाना चला था बुझा दे कि तीनों है कि पैसा पे पैसा भेजवावत तनी लो बढ़िया से यहां के तीनों रात धाका धक चला आई 200 रुपए का पुरस्कार ले उजाला भैया के तरफ से। थैंक यू भैया, एनियो बढ़ा दी कुछ का बढ़ा दिया इंतजार करो करो। अरे आग खाती आग बड़ी, अरे पानी खाती पानी, आग खाती आग बड़ी, पानी खाती पानी। अजीत कैप्टन भैया की तरफ से लाखों लाख रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अरे भैया सबके दर्शन दिली मनोहर दीपक वर्मा भाजपा नेता भैया के तरफ से लाखों लाख रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आइए हमारे रामलीला मैदान से अखड़ा नंबर 2 से पूरे कमेटी की तरफ से हमारे माननीय सुपरस्टार चाइल्ड आर्टिस्ट एंड सिंगर अरमान बाबू के लिए 1001 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद तो दे दीजिए। देखिए इस उम्र में बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, लेकिन आपका ये अरमान बाबू ये भोजपुरिया की शान है। एक बार आप लोग की तरफ से आशीर्वाद प्यार मोहब्बत मेरे भाई एक बार जोरदार हो जाए। कहते हैं बुरा वक्त आता है तो हर कोई टाल देता है, गौर से सुनिएगा भैया कि बुरा वक्त आता है तो हर कोई टाल देता है, गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। आजकल की नौजवानों की हालत तो देखिए, नई नई शादी होते ही